दिल्ली पुलिस ने एक अरेस्ट की है जिसकी डिटेल में हमारे डीसीपी साहब हैं राजेश दियो, ये क्राइम ब्रांच से हैं, ये केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उसके बारे में अभी जो मीडिया को है वो ब्रीफ करेंगे। दोस्तों अभी आपको हम लोगों ने दो वीडियो शेयर किया है, ये दो सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो थे। जो 13 दिसंबर को पहला वीडियो जो है वो जामिया का है और दूसरा वीडियो जो है 16 जनवरी का है वो अलीगढ़ का है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका आइडेंटिफिकेशन शर्जील इमाम का हुआ था उसके खिलाफ एक FIR दर्ज किया था हम लोगों ने 25 तारीख को। जैसे ही ये दूसरा वीडियो आया हम लोगों ने ये FIR दर्ज किया 25 तारीख को अंडर सेक्शन 124A 153A 505 IPC FIR नंबर 22/20 PS क्राइम ब्रांच, और मुकदमा दर्ज करने के बाद इमीडिएटली इसमें जो कंटेंट्स थे उससे कंटेंट से इसमें कॉजिंग डिसअफेक्शन टुवर्ड्स स्टेट और इसके इंग्रेडिएंट आ रहे थे, सेडिशियस था इन नेचर। हमने एक टीम डिस्पैच किया बिहार क्योंकि इसको लास्ट बिहार में देखा गया था, 25 तारीख को इसको बिहार में देखा गया था फुलवारी शरीफ के एरिया में, वहाँ कोई रैली हो रही थी। हमारी टीम 25 को ही पटना गई, पटना पुलिस से 26 को पहुंच गई, 26 से पटना पुलिस और बिहार पुलिस लगातार हमें कॉपरेट कर रही थी, बिहार पुलिस के कॉपरेशन से लगातार हम रेड्स कर रहे थे। 25, 26, 27 तारीख को लास्ट कल रात में हम लोगों ने रेड किया तो इसका ब्रदर मुजम्मिल हम लोगों को मिला, वहाँ से कुछ और वाइटल इन्फॉर्मेशन मिली जिससे कि हम लोगों ने आज लगभग 2 बजे शर्जील इमाम को उसके गांव काको जिला जहानाबाद मलिक टोला वहाँ से डिटेन किया और फॉर्मली फिर हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया। फिलहाल इसको हम लोग वहाँ कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास पेश करके इसकी ट्रांजिट रिमांड ले रहे हैं और शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ते से दिल्ली लाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर यहाँ ज्यूरिडिक्शनल मजिस्ट्रेट को पेश करके आगे की इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे। इसमें मोटा मोटी अभी हमारी टीम जो है एक बार पेश कर देगी और जब डिटेल्स होगा जो आपके साथ शेयर कर लेंगे। नहीं, सरेंडर पुलिस के पास कोई सरेंडर नहीं होता, सरेंडर अगर कोर्ट में सरेंडर कर जाते तो सरेंडर वाली बात कोई होती, एक्यूज कुछ भी बोल सकता है उसकी बात कोई नहीं है, सरेंडर कोर्ट के सामने होता है, पुलिस के सामने तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना होता है। हर एक्यूज जो हमारे पास आए और वो बोले हम सरेंडर कर गए, सरेंडर नहीं, सरेंडर होता तो कोर्ट में सरेंडर करते हैं। फिलहाल एक FIR जो हमारे पास दर्ज है जिसमें कि 124A 153A और सेक्शन 505 IPC है, उसमें इसका ही रोल है क्योंकि इसकी ही वीडियो है। लेकिन आपको बता दें कि जो तीन मुकदमा और इन्वेस्टिगेट हो रहा है राइट्स का जो SIT क्राइम ब्रांच कर रही है, देखिए जो सेक्शंस लगे हैं उन सेक्शंस में अगर कोई आदमी ऐसी भड़काऊ भाषण देता है जिससे कि आप राइट कॉज करते हैं या गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के खिलाफ आप भड़काते हैं लोगों को तो वो सेक्शन अट्रैक्ट होता है। तो फर्दर एक बार हमें मिल जाएगा तो हम देखेंगे कि इसके स्पीच का क्या रोल 13 तारीख और 15 तारीख के जामिया NFC के राइट्स में है।